वीडियो काल्पनिक है, किसी के भावनाओं को ठेस पहुंचा नहीं है। इस वीडियो को मनोरंजन के लिए बनाया गया, कृपया कोई दिल पर ना ले। अजी नाश्ता उस्ता है कुछ तो लाओ जी, नाश्ता उस्ता खा लेते हैं, जल्दी से जाएंगे काम पे। हाँ जी, कैसे नाश्ता बनाए? रोटी के लिए आटा नहीं है, नून नहीं है, तेल नहीं है, राशन सारा खत्म है, कैसे बनाएंगे? कुछ भी नहीं है, पहले वो सब लेके आइए तभी तो बनेगा नाश्ता। साला क्या करेंगे, काम धाम भी कुछ भी नहीं चलता है, ऊपर से ये लॉकडाउन से परेशान है, ऊपर से कोई काम ही नहीं चलता है, कुछ भी काम करते हैं तो कुछ काम में तो दिखता ही नहीं, क्या करेंगे, बड़ा परेशान है। अच्छा एक गिलास पानी ही लेके आओ, पानी ही पी के जाते हैं, देखते हैं कहीं कुछ और, बड़ा टेंशन हो गया भाई। आगे आगे लीजिए रास्ता का माल सस्ता में। अंकल गाड़ी देना वो वाला। युवा 300 का। दो तो बंदूक दीजिए। युवा 100 का 500 हो गया। हो गया? और कुछ चाहिए? नहीं। आजा निकालो। चाल अभी बोन युवा रहे, बाप का क्या छूटे हो रहे, बाप का संपा जा तुम्हारा, निकलो युवा घटाओ, नॉनसेंस कहीं का। तो मेरा पापा 500 रुपए दिया था, देखो कितना सारा खिलौना लिया, तुम्हारा बाबा एक भी पैसा नहीं दिया। पापा ये मेरा दोस्त ना, ये ठंडा ठंडा ईट गाड़ी लिया। अच्छा। मुझे भी चाहिए। तुम लोगों के साथ मेला गए थे क्या? हाँ। काय गए थे उन लोगों के साथ? मेला बाजार, सुनो मेला बाजार ये सब होता है ना, ये सब अमीरों के लिए होता है बेटा, समझे, गरीबों के लिए नहीं होता है। जो मेरे पास पड़ता है ना, तू भी लिया, सब लिया है। अच्छा सबको लिया है ना, उन लोगों के पास पैसा है, उन लोगों के बाप के पास, उन लोगों का बड़ा बड़ा बिजनेस है, हम लोग गरीब आदमी देखते नहीं, एक टाइम खाने का हम लोग को वो पड़ जाता है, घर में नाश्ता नहीं है, अभी तक बना नहीं है, और तुम गाड़ी और उसका बात करते। अच्छा ठीक है, तुम जाओ खेलो, हम सोचते हैं अभी कुछ खिलाएंगे। भाई मुझे भी खिलौना दो, भाग अपने बाप से जाके मांग। भाई मुझे भी खिलौना दो, मांगो जाओ। पापा मुझे भी खिलौना चाहिए। क्या हुआ? ते मेरा दोस्त था ना, ते बोले भाई थोड़ा मुझे भी खेलने दो, नहीं दिया। नहीं दिया खेलने के लिए? हाँ। अच्छा ठीक है, तुम चुप रहो मत ना, ठीक है ना। हाँ। हम अभी जाते हैं काम करने के लिए, जाएंगे अभी। हाँ। ठीक है ना, अभी मेला खत्म नहीं हो गया, अभी शाम तक मेला है। हाँ। तुम ले भी लाएंगे, ठीक है ना, चुप रहो मत, जाओ खेलो। सब्जी सब्जी 40 रुपए किलो, बैंगन ले लो, बैंगन बैंगन। टमाटर कैसे दिए भैया? टमाटर भाई 10 रुपए पाव है। 1 पाव बस दीजिए। 1 पाव टमाटर। अच्छा बरबट्टी ये 20 रुपए किलो, 1 किलो। और भैया 10 का धनिया, और 40 रुपए हो गया। ठीक है ठीक है ठीक है भाई, लो भाई, ठीक है भाई, ठीक है भाई। आओ सब्जी ले लो, सब्जी सब्जी। साला बताओ आज बच्चे को भी बोल के आए हैं खिलौना लेके आऊँगा तुम्हारे लिए, और साला है सब्जी भी 150 रुपए का, दुकानदारी हुआ है सुबह से और कोई कस्टमर भी नहीं है। अब घर के लिए राशन ले जाओ या बच्चे के लिए खिलौना ले जाओ, बड़ा टेंशन वाली बात है। हाँ भाई धनिया कैसे किलो है? धनिया 50 रुपए पाव है। 50 रुपए पाव है? हाँ। किलो का बात बोले? किलो लीजिएगा क्या? हाँ। किलो पड़ेगा 200 रुपए। दो टका का दीजिए। 2 टका का धनिया लेने आया भाई और किलो का बात पूछते हो? भाई 2 टका का दीजिए। अरे भाई ले लो, 1 किलो ले लो। 2 टका का दीजिए। अरे 1 किलो ले लो, 150 का लगा देंगे। 1 किलो ले लो, 150 का लगा देंगे भाई। भाई साहब कुछ सामान लेना था, राशन लेना था। क्या क्या चाहिए? 1 किलो आटा दे दो। हाँ। आधा किलो दाल दे दो। हाँ। और 1 किलो चीनी दे दो। अच्छा ठीक है। भाई साहब पहले पैसा जोड़ लेना, कितना पैसा होता है? हाँ जोड़ लेता हूँ, चिंता काहे कर रहा। चलो 1 किलो आटा, चीनी, दाल इसमें है। हाँ। जोड़ लेता हूँ, 1 किलो आटा 100 टका भैया, 250 रुपये हो रहा है। 250 रुपये हो गया? हाँ भैया मेरे पास ना पैसे इतने नहीं है। अच्छा। और घर में कुछ भी नहीं है, राशन पूरा ख़त्म हो गया है, और आज मेला भी है, बच्चों को मेला भी ले जाना वादा करके आया हूँ,
मेरे पास कुछ भी नहीं है तो पैसे कल दे देने से चलेगा? नहीं भैया, अभी उधारी उधारी नहीं चलता, ऐसे ही लॉकडाउन के कारण सबका काम बंद है। बिजनेस नहीं चल रहा मेरा भी, सब्जी का काम करता हूँ सुबह से। तो हम उसमें नहीं कर सकते हैं, आपको जानते नहीं है, जान पहचान नहीं है, उतना उधारी नहीं दे सकते हैं। अरे भाई साहब चल कर दो, भाई साहब भाई साहब घर में बच्चे भूखा है सर, भाई साहब भूखे हैं बच्चे, भाई साहब कर दो प्लीज़। नहीं हो सकता भाई साहब, भाई साहब प्लीज़। नहीं नहीं आप जाइए जाइए, नहीं होगा भाई साहब, कर दो प्लीज़। नहीं होगा जब बोल लेना, जाओ यहाँ से, कर दो भाई साहब। अरे जाओ यहाँ से यार, कहाँ कहाँ से आ जाता है, चलो। सर अब कुछ भी नहीं मिला, सोचा था राशन ले लूँ, राशन भी नहीं मिला, क्या करूँ, बहुत टेंशन हो रहा मुझे। अरे ये तो हमारे गांव का है दुकान, SGB गवर्नमेंट। ऐसा करता हूँ, जाता हूँ इनके पास, कुछ पैसे उधार मांगूँगा, क्या पता भाई दे दे। ठीक है चलता हूँ इन्हीं के पास, चलता हूँ SGB गवर्नमेंट भाई, अपने गांव का ही है, क्या पता हमारी मजबूरी को समझे। क्या करूँ यार, अरे यार जाऊँ कि नहीं जाऊँ, हर जगह से तो धक्का मार के भेज देता, कुछ मिलता नहीं है, जाके देखता हूँ ना, क्या पता यहाँ भलाई कर दे। और भाई सलाम अलैकुम। वालेकुम सलाम, कैसे आना हुआ? क्या करेंगे भाई, बड़ा परेशान है। आज देखो ना, आज मेला बाजार का दिन है और बच्चा दूसरे का खिलौना देख के रोता है। अच्छा, और काम धंधा बिल्कुल नहीं चल रहा, सुबह से सब्जी के दुकान में बैठे बैठे 50 रुपये की बोनी की, घर में राशन नहीं है। नहीं नहीं, काम क्या है बताइए ना, मतलब कैसे आना हुआ? काम ये था जो घर में राशन वासन लेके जाना था। अच्छा, और मेरे पास पैसे नहीं, मैं सोचा 500 रुपये उधार मिल जाता तो बहुत अच्छा, मेहरबानी, बहुत मदद हो जाता, घर में बच्चे भूखे हैं। ये लीजिए, और एक बहुत प्यार आप जो है ना, मेरे तरफ से बच्चे सबके लिए कुछ कपड़े ले रहे हैं। लड़का है आपका? हाँ लड़का है। ये मेरे तरफ से उसको दशहरा में गिफ्ट कर देना। बहुत बहुत धन्यवाद भाई। नहीं नहीं क्या बात कर, आप जैसे इंसान समाज में रहने वाले, किसी बात का आपको जरूरत है, आपको जरूरत है, आप जैसे इंसान गरीब की मजबूरी को समझते, वरना सबने तो धक्के मार कर भेज दिया, कोई किसी ने मदद नहीं की। ठीक है भाई साहब, ठीक है, आप इमोशन मत होइए, हम आपके पैसे को लौटा देंगे भाई साहब, हम गरीबों की कोई मजबूरी नहीं। जाइए आप, जो मतलब बच्चों को घुमाइए, सामान वामान दिलाइए बच्चों को, ठीक है? ठीक है, जब होगा आपके पास तब आ जाना, कोई बात। काम धंधा नहीं हो रहा यार, चला लूट मार का भी काम नहीं चल रहा, तो कौन सा काम चलेगा इस जमाने में, हमको ये समझ में नहीं आ रहा। करेंगे क्या, क्या था मुर्गा, इसी को लूटते हैं, चाहे जो भी हो लूट लेंगे, कुछ भी नहीं छोड़ेंगे। चलो ए बैठे खाली, अरे थक गया थोड़ा सा, बैठ जाता हूँ। हाँ शाम भी हो रहा है, जाते जाते निकाल, अरे भाई निकाल, जो भी है सब कुछ निकाल भाई, कुछ भी नहीं है, जो भी है निकलाओ, जल्दी जल्दी कर, जल्दी कर, जल्दी कर, अरे भाई साहब बहुत गरीब आदमी हो भाई, देखो और देख और देख और दिखा और दिखा, और कुछ भी नहीं है भाई, कुछ भी नहीं है, बैठ 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 बैठ, गरीब बता रहा किस दिन में मुसीबत से ले गया था, कितना मुसीबत से मैं कहां से मांग मांग के पैसा ले गया था, क्या जवाब दूंगा अपने परिवार को, अपने बच्चे को क्या खिलाऊंगा। मेरे साथ इतना सारा अत्याचार क्यों होता भगवान, गरीब होना इस दुनिया में पाप है क्या, सारा परेशानी सब मजबूरी गरीब को देते हो क्या, छोटे छोटे बच्चे मेरे खिलौना का इंतजार कर रहे घर पे, मैं जाके क्या जवाब दूंगा बच्चे को, क्या करूंगा बताओ, यहाँ से कूद के जान दे दूंगा मैं, लेकिन जान दे दूंगा तो मेरे परिवार को कौन देखेगा, कौन संभालेगा, छोटे छोटे बच्चे उनको किसके सहारे छोड़ के जाऊँ, कुछ भी हो हिम्मत नहीं हारेंगे। चला गया चला गया, घर चलते, घर में बच्चा भूखा है, पहले कुछ और जुगाड़ लगाऊंगा। वाह रे, दिन भर थक गए कुछ भी। अरे बच्चा सब कहाँ गया है, बच्चा सब है रे? नहीं आया
जी बच्चा से मिला गया है। मेला किसके साथ चला गया है? गांव के बच्चा से आया था। अब फैसला देखते देखते कि पापा खिलौना लेके आएगा, अभी तो मैं लाया। अच्छा ठीक है, मैं मेला में ही देखता हूँ जाके। अरे कहाँ जा रहा है? घर जा रहा। किसके साथ आया था? अखल्ला। चलो आओ मेला घुमाता हूँ। चलो अरसलाम शाहनवाज भाई, क्या हाल है? बढ़िया भाई, अपना ठीक है? हाँ। अरे यार देखो ना, बच्चा जीत पकड़ लिया है खिलौना लेने के लिए। खिलौना लेना? हाँ। तो मेरे पास अभी पैसा वैसा नहीं है, बाद में दे देंगे। देख खिलौना थोड़ा दे दो यार बच्चे को। भाई मेला बाजार में उधार बाकी नहीं होगा दोस्त, दे दो यार। नहीं हो पाएगा, बच्चा तो जीत पकड़ लिया यार, सबका देख के बहुत जीत करता है। तो सोचे चलो जाते हैं भाई के पास, दे देगा, बाद में पैसा तो दे देंगे। अभी इतना पैसा लगा है दोस्त, आप भी समझिए, इतना पैसा मेला बाजार में लगा है, उधार बाकी दे देंगे तो कैसे होगा? अभी हम लोग का भी बिजनेस नहीं चलता दोस्त, थोड़ा हम लोग का भी। तो वही बात है ना दोस्त, किसी का हर किसी का काम बनता है, क्या करेंगे, नहीं दे पाएंगे उधार बाकी दोस्त। ठीक है भाई, समझ गए, जो मतलब अमीर अमीर होता है। अमीर अमीर की बात नहीं है दोस्त, नहीं हो पाएगा उधार बाकी। हे भगवान, कोई चमत्कार करवा दो, वरना मैं झूठ बोलूंगा इस बच्चे से, इस बच्चे को खिलौना कैसे दिलाऊंगा। कर दो कुछ चमत्कार भगवान। आओ बेटा चलो बाजार घूमते आओ। या भगवान, मेरी बात सुन ली। कहते हैं ना भगवान के घर में अंधेर है लेकिन देर नहीं है, किसी ना किसी तरह मेरी इच्छा पूरी कर दी भगवान। अब तुम खुश हो गए ना बेटे? लो तुम अपने खिलौना से खेलो, ठीक है ना? मजे से लो बंधु। लो जी इसमें राशन है, आटा है और वो है, इसमें बना दो। हमारे बदमाश चाचा चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को दबाना ना भूले आगे और भी वीडियो देखने के लिए। धन्यवाद।